हेलो स्टूडेंट्स, अपना गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास सेवन्थ एकलव्य बैच के फ्रैक्शंस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 5 में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने शुरू के चारों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो पहले उन लेक्चर्स को जाके देख लीजिए, उसके बाद में इस लेक्चर को देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे आप लोगों को यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा उसको समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, कि फ्रैक्शंस को कैसे ऐड किया जाता है। जैसे नॉर्मल एडिशन आप लोगों को आता होगा, आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सीखा होगा, लेकिन फ्रैक्शंस को ऐड करने का एक अलग डिफरेंट तरीका होता है। तो क्या तरीका होता है, उसको कैसे ऐड किया जाता है, वो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो उसके बाद में हम कुछ यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस भी लिखे हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, जिससे आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, हमारे को इसको ऐड करने के लिए एक प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके लिए 2 स्टेप्स मैंने यहाँ लिख दिए। ये आप लोगों को पेपर में नहीं लिखनी है, कभी भी एग्जामिनेशन वगैरह के लिए आप लोगों को जैसे कोई क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में कि भाई ये इन दोनों को ऐड करना है, तो आप लोगों को ये स्टेप्स नहीं लिखनी है। वहाँ पे क्या करना है, हमारे को डायरेक्ट ऐड करना है बस। ये तो केवल तरीका बता रहा हूँ, मैंने तरीका एक तो है बोल के मैं अगर आप लोगों को बताऊँ तो आप लोग क्या होगा, अभी तो याद रहेगा बाद में भूल जाओगे, फिर आप लोगों को फिर से दोबारा क्वेश्चन करोगे तो फिर पूछोगे कि क्या तरीका था, वो दिमाग से निकल जाएगा। तो मैंने वो तरीका यहाँ लिख दिया, तो ये तरीका आप लोगों को याद रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर सकते हो। तो देखिए, तो पहले स्टेप में क्या करते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम एक बार ले लिया, उसके बाद में क्या करना है, तो पहले एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, फिर ये सेकेंड वाले स्टेप पर आते हैं। तो देखो, तो जब आप लोग एलसीएम ऑफ 5,15 लोगे तो वो आएगा 15। आप अलग से लेके देख लेना, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। लेने के बाद में क्या करोगे, एलसीएम को ऐसे लिख दिया, ये यहाँ पे एलसीएम है, ध्यान रखना। अब हमें क्या करना है, इस एलसीएम को ध्यान से सुनना, डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। मतलब इस ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो दोनों डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। 3 होंगे तो 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, एक एक बार में अलग अलग। पहले हम इसको पिक करेंगे। हमें क्या करना है, ये सब काम रफ वर्क वाला है, ये केवल समझाने के लिए है कि हमें इस एलसीएम को यानी 15 को इस डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड करना है। कितने टाइम होगा, 3 टाइम डिवाइड होगा, ये हमारा रिजल्ट आ गया भाई। इसको इससे मतलब एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट हमारे पास कितना आया, 3 आया। अब हमें क्या करना है, इस रिजल्ट को न्यूमेरेटर से, मतलब इसको जब पहले कर रहे हैं ना, तो पहले हमारा कौन सा न्यूमेरेटर पिक करेंगे हम, ये वाला। तो अब इस रिजल्ट को यानी इसको हमें न्यूमेरेटर यानी इस 3 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना, पहले इस एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, फिर जो भी रिजल्ट आएगा उसको इस न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग जब बहुत सारे क्वेश्चंस कर लोगे तो ये चीज़ें आप लोगों को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो देखिए, तो इसको रिजल्ट को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 3 है, वो 3×3=9 आया। तो ये जो भी 9 आएगा उसको यहाँ नोट करना है। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसको वापस से इसके लिए भी रिपीट करना है, तो बीच में क्या एडिशन है तो हम क्या लगा देंगे, एडिशन का साइन लगा देंगे। फिर इस 15 को क्या करना है, इस 15 से डिवाइड करना है, 1 टाइम होगा। फिर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं अभी के लिए तो लिख देता हूँ कि भाई इस 15 को इस 15 से डिवाइड करना है, 1 टाइम होगा। फिर इस 1 को जो भी रिजल्ट आया है इसको न्यूमेरेटर यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब सिंपल ऊपर ऐड करना है, 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, और नीचे कितना आ गया, 15। आप चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, और आप चाहो तो क्या कर सकते हो कि ये अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पहले या दूसरे लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप वहाँ जाके एक बार देख लीजिए। यहाँ मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। तो देखो, 15 से हम क्या करेंगे, 16 में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 टाइम डिवाइड होगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो मैंने बताया जितने टाइम डिवाइड होगा यानी क्वेश्चन, तो यहाँ जाएगा, रिमाइंडर ऊपर आता है, और ये वाला पार्ट ऐसे कैसे आ जाता है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसको आप अच्छे से नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके। अब हम इन 5 क्वेश्चंस को यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं, जिससे आप लोगों ने ये जो कॉन्सेप्ट सीखा ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ पर क्या करना है, ऐड करना है इन 5 क्वेश्चंस में। यहाँ पर 2 फ्रैक्शन है, या 3 है, या 2 है, या 3 है, और यहाँ 4 फ्रैक्शंस दिए हुए। तो हमारे को तो वही स्टेप फॉलो करनी है। सबसे पहले एलसीएम लेना है। जब 9 और 12 का एलसीएम लोगे तो आप लोग देखना एलसीएम इनका कितना आएगा,
36 आएगा, क्योंकि 36 वो नंबर है जिसमें 9 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है। 36 से छोटा कोई सा भी नंबर नहीं है। तो इनका एलसीएम कितना आया, 36। तो अब क्या करते हैं, 36 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम डिवाइड होगा, फिर 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 जा कितना होगा, 32 होगा। आई होप आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुन रहे होंगे और समझने की भी कोशिश कर रहे होंगे। फिर 36 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम होगा, 12 3 जा 36। फिर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे ऊपर, 2 और 1 3 हो गया और 5 और 2 3 और 2 5 हो गया और 2 और 1 3 हो गया और नीचे कितना है, 36। या तो चाहो तो यहीं छोड़ दो, तो अभी उसने बोला नहीं है कि मिक्स्ड में लिखना है, तो अब एक काम करते हैं यहीं पे इसको स्टॉप कर देते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ तक अब हमने करने के बाद में क्या करना है, ये भी देखना है कि ये आगे सिंपलेस्ट फॉर्म में और कन्वर्ट हो सकता है क्या। मतलब ये हो सकता है कि दोनों किसी सेम नंबर से क्या हो रहे हों, डिवाइड हो रहे हों, तो अगर डिवाइड हो रहे हैं तो हमें उनको डिवाइड करना पड़ेगा, यानी ई रिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये ई रिड्यूसिबल फॉर्म क्या होती है, इसको मैंने लेक्चर नंबर 3 में कवर किया है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। तो अभी तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आगे सोल्व नहीं हो रहा है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, मतलब सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम इसको यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब इसको देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, फिर वही तीनों का एलसीएम लेंगे इस बार। तो जब आप लोग एलसीएम लोगे तो एलसीएम निकल के आएगा 48, आप निकाल के देख लेना। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 48। सिमिलरली जो हमने दो के लिए किया था, आप तीनों के लिए करना। तो इस 48 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 टाइम होगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आएगा। फिर इस 48 को 16 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम होगा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 आएगा। फिर इस 48 में 24 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम होगा, और 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब सिंपल ऊपर वालों को ऐड करना है, तो क्या होगा, देखो 8 और 3 11, 11 और 9 19, 19 और कैरी कितना आया 1, 1 और 1 2, 2 और 3 5, 5 और 2 7 हो गया, और डिवाइड बाई कितना हो गया, 48। तो देखो ये भी शायद आगे किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि 79 किसी के भी टेबल में नहीं आता है, तो इसको भी हम यहीं पे छोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और देख लेना, क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि हमने क्या किया है, वो 48 में 24 से डिवाइड किया, 2 टाइम होगा, 2 को 8 से 9 से मल्टीप्लाई किया, 18 आएगा, सही है। 48 में 16 से डिवाइड करेंगे, 3 टाइम होगा, 3 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 आएगा, ये भी ठीक है। 48 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम होगा, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 28 आएगा। अब इनको ऐड करके देख लो, तो ऐड करने पे 79 ही आ रहा है, क्या देखो, पहले इसको ऐड कर लो, देखो ये 20 और 30 50 और 51 60 और ये कितना हो गया, 76 और 3 79, सही है, बिल्कुल हमने सही किया है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। अब आगे देखो, अब यहाँ क्या है, पहले मिक्स्ड फॉर्म में दे दिया, तो हमारे को पहले मिक्स्ड फ्रैक्शंस को किस में, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद में तो फिर ऐसा ही बन जाएगा। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा उसको इसमें ऐड कर देते हैं। तो 4 8 जा 32, 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35 और नीचे कितना है, 4, बीच में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 4 5 जा 50 और 50 और 2 कितना हो गया, 52 डिवाइड बाय 5। आई होप आप लोगों को ये चीज, सॉरी 5 10 जा 50, 50 और 2 कितना हो गया, 52 डिवाइड बाय 5। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब दोनों का एलसीएम लो, तो जब एलसीएम लोगे तो वो कितना निकल के आएगा, 20 निकल कर आएगा। तो इस 20 में इस 4 से डिवाइड करो, 5 टाइम डिवाइड होगा, इस 5 को इस 35 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 175। आप लोगों एक खुद करके देखना मल्टीप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को आती है। मैं यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लगे इसलिए मैं डायरेक्ट बोल देता हूँ कि भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे इतना आएगा। यहाँ पे 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4 टाइम होगा, क्योंकि 5 4 जा कितना होता है, 20 होता है। और इस 4 को इस 52 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, देखो 50 को पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 200 होगा, 200 और फिर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 208 हो गया। आई होप आप लोग इसको समझ पा रहे होंगे। इसके बाद में हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने के लिए हमारे को क्या करना है, देखो 8 और 5 कितना हो गया, 13 का 3 होगा, कैरी कितना आएगा, 1 आएगा, 101 1 प्लस 7 8 हो गया, और 2 और 1 3 हो गया, और नीचे कितना आ जाएगा,
20 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमारे को जो रिजल्ट्स थे वो किस फॉर्म में दिए हुए थे, मिक्स्ड फॉर्म में दिए हुए थे, तो हमें आंसर को भी मिक्स्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, 383 को 20 से डिवाइड करो वन टाइम, 20 माइनस 18, फिर 3 से डिवाइड करो फिर 9 टाइम, 180 माइनस 3। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मैंने कैसे किया है। तो अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे कि 19 तो जो क्वेश्चन है वो तो यहाँ आएगा, जो भी रिमाइंडर बचा वो ऊपर आ जाएगा, और जो भी डिनोमिनेटर था वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 19 एंड 3/20। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तीन वाला मतलब इरेशनल नंबर्स वाला तीन का दे दिया, मतलब मिक्स्ड फ्रैक्शन वाला तीन में दे दिया, तो सिमिलर वही करना है। पहले तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट कैसे करें, 3 5 जा कितना होगा 15, और 4 19/5 प्लस 10 2 जा 20 प्लस 3 कितना होगा 23/10 प्लस 15 1 जा 15 और 1 16/15। फिर यहाँ तीनों का एलसीएम लोगे तो आप लोग लेके देख लेना एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। अब 30 को 5 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम होगा। अब 6 को क्या करोगे, फिर 19 से मल्टीप्लाई करोगे, तो अब 19 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आएगा, 114। आप लोग करके देख लीजिए, 6 से मल्टीप्लाई करो, 9 4 जा 54 होता है, केरी कितना आएगा, 5 आएगा, 6 1 जा 6 और ये 11 हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ बीच में प्लस है तो प्लस, इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम होगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 69 आएगा। फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा। 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 32 आएगा। फिर इनसे सबको ऐड करना है, तो देखो 2 और 9 11, या मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, देखो ये 100 है, फिर ये कितना है 10 है, तो 110 170 100 भाई देखो यहाँ पे 100 है, फिर ये कितना है 30, तो 130 हो गया, फिर 190 हो गया, फिर 200 हो गया, फिर 200 और ये हो गया 13 और ये हो गया 15, तो ये कितना हो गया 215 डिवाइड बाय 30। तो अगर किसी से दोनों सेम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो हमें करना पड़ेगा, तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये देखो 5 से 6 टाइम डिवाइड हो गया, ये 5 से 4 टाइम 43 टाइम डिवाइड हो गया। आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। अब आगे किसी से भी डिवाइड नहीं हो रहा तो हम इसको क्या करेंगे, मिक्स्ड में दिया हुआ था तो मिक्स्ड में लिखना पड़ेगा। इसको इससे डिवाइड करो, 7 टाइम होगा 42, एक बचेगा तो एक को ऊपर लिख देंगे और 6 को नीचे लिख देंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 7 and 1/6। अब चार वाला क्वेश्चन है, इसमें ये तो पहले से ही क्या है इम्प्रॉपर में वो प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है। इन तीनों को क्या किया गया, यहाँ पे क्या किया गया है, मिक्स्ड में दिया गया है, तो हमारे को इनको मिक्स्ड को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये तो प्रॉपर है, ये मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये तो 2/3 ऐसे कैसे आएगा, 6 3 जा 18, 18 प्लस 1 कितना होगा 19/6 प्लस 4, 9 4 जा 36, 36 और 2 कितना हो गया 38 डिवाइड बाई 9 प्लस 18 2 जा 36, 36 और 5 कितना हो गया 41 डिवाइड बाई 18। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जब इन सबका एलसीएम लोगे तो एलसीएम निकल के आएगा 18। अब 18 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, 6 टाइम होगा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है 12 आएगा, 18 को 6 से डिवाइड करना है 3 टाइम होगा, 3 को 19 से मल्टीप्लाई करना है 57 आएगा, फिर 18 को क्या करना है 9 से डिवाइड करना है 2 टाइम होगा, 2 को 38 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप यहाँ करके देख सकते हो 2 को 38 से मल्टीप्लाई, भाई यहाँ पे 6 टाइम होगा और यहाँ पे 6 और 1 7, तो कितना आ गया 76। फिर यहाँ पे 18 को 18 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 41 होगा। आई होप आप लोग ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे कि मैंने कैसे किया है। थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ मैं, लेकिन आप खुद करके देखना तो आप लोगों का भी यही रिजल्ट निकल कर आएगा। अब ऊपर सबको एडिशन करना है इनका, तो यहाँ क्या होगा देखो, ये इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो बन जाएगा 88, ये दोनों, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो देखो ये तो 4 और 1 7 और 1 8 बन गया, और 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लो, 6 1 9 9 कितना हो गया 18, तो कितना हो जाएगा 186/18। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो, या तो पहले दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, या आप सोच पा रहे हो तो दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, ये दोनों के दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो ये 6 से कितने टाइम होगा 3 टाइम 18, और 6 कितना होगा 1 टाइम, और ये 3 से कितने टाइम होगा,
मतलब 6 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 3 टाइम डिवाइड होगा। आप प्रॉपर तरीके से डिवाइड करके देख लेना। अब लेकिन हमारे को यही आंसर नहीं लिखना, हमें क्या करना है, इसको आगे भी सोल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या था, क्वेश्चन में मिक्स्ड में दिया हुआ था, तो मिक्स्ड में ही लिखना है। तो 3 से डिवाइड करो, 10 टाइम होगा, एक बचेगा उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे कितना है 3, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 10 एंड 1/3। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं कि हमने जो अभी कॉन्सेप्ट सीखा है उसके ऊपर वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आती है, वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब रियल लाइफ में उनको कैसे सोल्व किया जाता है। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं, जो जो चीज़ें हमारे को गिवन है क्वेश्चन में उनको एक बार लिख लेते हैं, फिर आगे सोचेंगे कि हमारे को उसको आगे कैसे सोल्व करना है। तो देखो क्या बोला है, अनीता बॉट, बॉट का मतलब हो गया खरीदना, ठीक है, परचेज भी बोल सकते हो, 3 and 3/4 kg एप्पल्स। वो क्या करती है, 3 and 3/4 kg एप्पल्स खरीदती है, एंड 4 and 1/2 kg यानी किलोग्राम गवावा, गवावा यानी अमरूद खरीदती है। वाट इज द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट परचेस्ड बाय हर। तो जैसे मान लो कि वो एक घर से बैग लेके जाती है, अब आजकल तो क्या हो गया है, प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है, तो मान लो कि वो घर से अपने साथ में कपड़े का बैग लेके गई है। आप लोगों को भी क्या करना चाहिए कि घर से ही कपड़े का बैग लेके जाइए, जिससे कि जो पॉलीथीन वगैरह है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है, उसको आपको कम से कम यूज करना पड़े, क्योंकि वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहा है। हमारे यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, सर्दी, गर्मी और बरसात, ये जो तीनों साइकिल जो पहले प्रॉपर तरीके से काम करते थे, अब इनकी जो ड्यूरेशन है वो कई, किसी की कम हो गई, किसी की ज़्यादा हो गई, गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ने लग गई है। तो ये सारी चीज़ें हमारी वजह से हो रही है, एनवायरनमेंट को हम क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हमें भी अब क्या करना है, गवर्नमेंट ने जो ये स्टेप लिया है प्लास्टिक बैन करने का, इसको सपोर्ट करना है, और कपड़े का बैग लेके हर जगह पे जो भी सामान लेने जाना है उसको क्या करो, कपड़े के बैग में लेके आओ वहाँ से, जिससे कि आपको क्या होगा, एक तो पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और जिससे पॉलीथीन का जो यूज है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज करना बंद कर देगा। तो देखिए यहाँ क्या है, उसने कुछ फल फ्रूट खरीदे हैं, यहाँ उसका इस टाइप का बैग है, ठीक है, उसने यहाँ पे एप्पल रख रखे हैं, कुछ ऐसा ही दिखता होगा, ड्राइंग के का मजाक मत उड़ाना प्लीज, और यहाँ से कुछ गवावा अमरूद इस टाइप से उसने, मतलब किस अलग अलग टाइप के शेप के आते हैं, तो यहाँ पे गोल ही बना देता हूँ मैं। तो देखो इस टाइप से उन्होंने अमरूद खरीदे, तो यहाँ पे जो सेब खरीदे हैं वो कितने किलोग्राम है, सेब 3/4 किलोग्राम तो एप्पल्स है, और ये क्या है, गवावा, गुआवा कैसे रीड करते हो वो देख लेना, ये कितने हैं, 4 and 1/2 किलोग्राम। तो जब वो ऐसे लेके आएगी तो उसको गवावा यानी कि अमरूद का भी वजन दिखाई दे होगा उसके अंदर फील होगा, और सेब का भी वजन फील होगा। तो यहाँ दोनों का वजन दिया हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, पहले लिख लेते हैं, तो हम बोलेंगे वेट ऑफ एप्पल्स, एप्पल का वेट कितना है, वो कितना होगा, 3 and 3/4 किलोग्राम। ऐसे ही वेट ऑफ गुआवा या गवावा कैसे पढ़ते हो वो देख लेना, 4 and 1/2 किलोग्राम, ठीक है। अब हमें तो टोटल वेट निकालना है ना फ्रूट्स का, भाई दो तरीके के फ्रूट्स खरीदे हैं, तो हम बोलेंगे टोटल वेट ऑफ फ्रूट्स बराबर क्या होगा, भाई दोनों का वेट को ऐड कर दो, तो सिंपली वो ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो 1 किलोग्राम तुम, हम लोग क्या खरीद के लाते हैं, एप्पल खरीद के लाते हैं, 2 किलोग्राम गुआवा खरीद के लाते हैं, या कुछ और फल यानी केले या बनाना वगैरह खरीद के लाते हैं, तो दोनों का सम करते हैं, तो टोटल 3 किलोग्राम हमने क्या किए, फ्रूट्स खरीदे। तो सिंपल क्या करो, टोटल वेट ऑफ फ्रूट का मतलब हो गया वेट ऑफ एप्पल्स प्लस वेट ऑफ गुआवा, इन दोनों को ऐड कर लो, तो वेट ऑफ एप्पल कितना है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 and 3/4 प्लस ये कितना हो गया, 4 and 1/2, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मिक्स्ड में है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 3 12 12 और 3 15 यानी 15/4, बीच में प्लस है तो प्लस, 2 4 8 8 और 1 9 9/2। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आगे क्या करना है, फिर से ऐड करना है, तो मतलब यहाँ क्या होगा,
अभी तो हमने कन्वर्ट किया, केवल अब ऐड करना है। 4 और 2 का जब हम लेंगे एलसीएम तो वो कितना आएगा, 4 आएगा। इस 4 में, इस 4 से डिवाइड करोगे 1 टाइम होगा, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आएगा। फिर इस 4 में इस 2 से डिवाइड करोगे 2 टाइम होगा, फिर 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 18 आएगा। जब इन दोनों का सम करोगे तो आएगा 33/4। लेकिन हमारे को फाइनल रिजल्ट इसमें नहीं लिखना है, हमारे को फाइनल रिजल्ट क्या करना है, मिक्स्ड में कन्वर्ट करके लिखना है, क्योंकि टोटल फ्रूट्स यहाँ पे जो अलग अलग वेट दे रखा था वो मिक्स्ड में दे रखा था। तो इसको ऐसे डिवाइड करो, 8 टाइम डिवाइड होगा, 32 हो गया, 1 बचा उसको ऊपर लिखना है और नीचे 4 आ गया, और इतने किलोग्राम, और रिजल्ट किलोग्राम में लिखना है क्योंकि फ्रूट्स क्या थे, किलोग्राम थे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो गया, 8 and 1/4 किलोग्राम। अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। तो देखो, ए रेक्टेंगुलर सीट ऑफ ए पेपर इज 15 and 3/4 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 and 1/2 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब पहले तो क्वेश्चन को समझ के हम क्या करेंगे, उसका एक डायग्राम बना लेते हैं रफली। तो देखो, एक रेक्टेंगुलर सीट है, मतलब इसकी शेप कैसी है, रेक्टेंगल की है। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर सीट। रेक्टेंगल में दो चीज़ें होती है, एक तो होती है उसकी लेंथ। तो यहाँ पे वो लेंथ कितनी, कितने लंबे, मतलब सेंटीमीटर लॉन्ग है, लॉन्ग का मतलब है उसकी लेंथ भी गिवन है। तो उसकी लेंथ है, जिसको हम एल से डिनोट कर देते हैं, वो कितनी है, 15 and 3/4 सेंटीमीटर। इसको मैं साथ के साथ कन्वर्ट भी कर देता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आएगा, 60 को 3 में ऐड करेंगे तो 63/4 सेंटीमीटर। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये इसकी विड्थ है, या फिर ब्रेड्थ बोल सकते हो। तो इसकी विड्थ कितनी है, जिसको हम बी बोल देते हैं, बराबर कितनी है, 12 and 1/2 सेंटीमीटर, और विच इज इक्वल टू 12 × 24 + 1 = 25/2 सेंटीमीटर। ये तो क्वेश्चन में गिवन था, तो गिवन क्या क्या है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, मतलब मैं अलग से लिख देता हूँ मैं, कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, मैं बार बार रेक्टेंगुलर नहीं लिख रहा, सीट बोल रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाना कि रेक्टेंगुलर की बात हो रही है, बराबर क्या होगा, 63/4 सेंटीमीटर। यानी एक्चुअल में कितना था, 15 and 3/4 सेंटीमीटर, जो कि कन्वर्ट होके क्या बन गया, 63/4 सेंटीमीटर। उसके अलावा जो विड्थ है, यानी जिसको ब्रेड्थ भी बोलते हैं, विड्थ ऑफ सीट, वो कितनी होगी, या गिवन है, देखो कितना आया था, 12 and 1/2 सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा, 25/2 सेंटीमीटर। आई होप आप लोग ये चीज़ अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए, हमें निकालना पेरीमीटर। अब ये पेरीमीटर का मीनिंग क्या होता है, पहले समझ लेते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है कि जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री कितनी लंबी है ये बताना है। तो बाउंड्री को कैसे निकाले, देखो एल, तो ये भी एल, ये बी है तो ये भी बी, तो बाउंड्री की लेंथ क्या होगी, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ कि भाई क्या होगा। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट बराबर क्या हो जाएगा भाई, लेंथ प्लस, ये बी है तो ये भी बी होगा, ये एल है तो ये भी एल होगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। मैं इसका एक्चुअल में आप लोगों को फॉर्मूला भी बना देता हूँ, आप चाहो तो डायरेक्ट उसको भी यूज कर सकते हैं। एल और एल क्या हो गया, 2 times यूज हुए हैं, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 2L लिख सकते हैं। कैसे लिखा है, इन सबको हम लोग क्या करेंगे, आगे एक चैप्टर आएगा एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, उसमें डिटेल में समझेंगे कि इनको ऐड कैसे किया जाता है। अभी के लिए बस ध्यान रखो, L और L कितना हो गया, 2L, प्लस B और B कितना हो गया, 2B। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, दोनों को हम ब्रैकेट के बाहर निकाल लेते हैं, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, L प्लस B बच गया, यहाँ L बच गया, यहाँ B बच गया। आप चाहो तो देखो वापस से मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 को L से मल्टीप्लाई करोगे 2L आएगा, ये ध्यान रखना है, बीच में क्या है, मल्टीप्लाई, और फिर 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को बी से मल्टीप्लाई करोगे तो 2B आ जाएगा। तो ये ऐसे कैसे बन जाएगा, तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बन गया, 2L + B, यानी 2 × लेंथ + ब्रेड। तो पहले ब्रैकेट सोल्व किया जाएगा, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखो क्या आएगा, 2 × या L कितना है, लेंथ कितनी है, 63/4 प्लस ब्रेड कितनी है, 25/2। पहले तो मल्टीप्लाई तो ऐसे कैसे चलने, तो ब्रेकेट के अंदर दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। जब इसके अंदर इस 4 में इस 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम होगा, 1 को 63 से मल्टीप्लाई करोगे 63 आएगा। फिर इस 4 में इस 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम होगा, 2 को इस 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दो, तो जब ऐड करेंगे हम, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बाकी का सॉल्यूशन, तो कितना आएगा देखो, 6 और 5 11 और +1 1 1 3 / 4, और बाहर क्या चल रहा है, 2 चल रहा है,
इस टू से ये देखो टू टाइम डिवाइड हो गया नीचे ऊपर, ये इतना तो आई होप आप लोगों को आता होगा, इतना आप लोगों ने कहीं ना कहीं सीखा हुआ होगा कि भाई टू वन जा टू, टू टू जा फोर, ये ऊपर और नीचे डिवाइड की फॉर्म में है, बीच में मल्टीप्लाई, लेकिन ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में है, इसलिए आप चाहो तो प्रॉपर तरीके से कर लो कि भाई टू को क्या करो, पहले मल्टीप्लाई कर लो वन इससे, तो ये कितना होगा टू टू सिक्स डिवाइड बाई फोर्टीन हो जाएगा। फिर अब ये दोनों क्या क्या कर सकते हो, इरिड्यूसिबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो, तो ये कितना होगा वन वन थ्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा टू से डिवाइड होगा तो टू हो जाएगा। लेकिन हमें आंसर इसी में नहीं लिखना, हमें किस में लिखना है, इसको हमें मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमारे जो डेटा थे स्टार्टिंग में दिए हुए थे वो किस में दिए हुए थे, मिक्स्ड में दिए हुए थे। तो देखो टू से देखो वन में तो डिवाइड होता नहीं, मैं यहाँ करके बता देता हूँ, टू से डिवाइड करो फाइव टाइम टेन माइनस वन, फिर सिक्स टाइम ट्वेल्व माइनस वन, तो 56 एंड वन बाय टू सेंटीमीटर, ये क्या हो गया पेरीमीटर हो गया। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। अब हम एक छोटा सा टॉपिक हो रहे हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद में आप लोगों के लिए दो होमवर्क क्वेश्चंस लिखे हैं मैंने, ये आप लोगों को सोल्व करने हैं, और जो भी आप लोगों के रिजल्ट्स आते हैं आंसर्स निकल के आते हैं उनको आपको कमेंट करके बताना है। तो देखिए लास्ट टॉपिक क्या है हमारा आज का, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शंस को ऐड करने से रिलेटेड कुछ दो प्रॉपर्टीज है, उनको हमेशा याद रखना है। वो क्या है पहले मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर उसका आप लोगों को एक एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखो पहला क्या बोला, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस इज कॉमोटेटिव। अब ये कॉमोटेटिव का क्या मतलब है इसको ऐसे समझो, मैं अगर बिना फ्रैक्शन के अगर बात करूं, जैसे 2 प्लस 3 करो कितना आएगा 5, और 3 प्लस 2 करो वो भी कितना आएगा 5, यानी कि अगर हम नंबर्स को स्वेप कर दें आपस में बदल दें, तो फिर ऐड करके देखें एडिशन करके देखें फ्रैक्शंस का, तो रिजल्ट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रिजल्ट तो उसके बाद भी क्या आएगा सेम ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस वाली प्रॉपर्टी का मतलब है कि a बाई बी प्लस सी बाई डी, ये दो फ्रैक्शन हो सकते हैं, कोई भी फ्रैक्शन हो सकते हैं, या तो ये कर लो या फिर c बाई डी प्लस a बाई बी कर लो, दोनों का मीनिंग क्या है सेम ही है। फॉर एग्जाम्पल 1 अपॉन टू प्लस 3 अपॉन 4 बोल दो, या फिर 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2 बोल दो, दोनों का मीनिंग सेम है, दोनों को ऐड करने पे सेम ही रिजल्ट निकल कर आएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब है अगला है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस इज एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव का क्या मतलब है, जैसे इसी के तरीके से मैं एक एग्जांपल बताऊं, 2 प्लस 3 प्लस 5 है, तो अब हमको तीनों को या तो एक साथ ऐड कर लो, या हम चाहे तो पहले इन दो को ऐड कर लेते हैं, तो कितना होगा 3 प्लस 5 8, फिर 8 में 2 ऐड कर देंगे तो 10, या आप चाहो तो पहले क्या कर लो इन दोनों को ऐड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 5, और फिर 5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। मतलब अगर तीन नंबर्स हमारे को रेशनल नंबर्स दिए हुए हैं, तो तीनों में से किन्हीं भी दो को हम पहले ऐड कर सकते हैं, फिर तीसरे को उसमें बाकी जो रिजल्ट आएगा उन दोनों का उससे ऐड कर दें, तो जो रिजल्ट होगा वो सेम ही रहेगा। तो यहाँ बोल सकते हैं कि अगर a बाई बी प्लस बी बाई सी सी बाई डी प्लस ई बाई एफ, तीन हमारे पास फ्रैक्शंस है, पहले इन दोनों को ऐड करके फिर इसमें ऐड कर दो, या फिर पहले इन दोनों को ऐड कर लो और उसमें क्या कर लो e बाई एफ को ऐड कर लो, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आई होप आप लोगों को इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, इसका एग्जांपल इस तरीके का बना के आप खुद भी लिख सकते हो। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, इनके होमवर्क को आप लोगों को करना है और कमेंट करके बताना है कि हमारा या आपका क्या रिजल्ट आता है, वो भी क्या होगा आप कमेंट करके हमें बता देना। इसके साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले सभी लेक्चर्स के आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।